एक मूवी देखी है द एबिस के नाम से, मूवी 2023 में रिलीज हुई थी भाई, एक डिजास्टर मूवी है। और इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया। इस मूवी में दो से तीन किस सीन देखने में मिलते हैं, अगर आप उसको एडजस्ट कर सकते हो तो मूवी तुम अपनी फैमिली के साथ चेक मार सकते हो। अब बात करते हैं ये वाली मूवी कैसी है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है स्वीडिश नॉर्थ में एक शहर है किनोरा के नाम से, जहाँ पर आए दिन भाई कोई ना कोई भूकंप टाइप आता रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ दराड़े पड़ती ही रहती है। वहाँ पर एक कहानी फोकस करती है एक औरत की, जो माइंस की भाई एक सिक्योरिटी हेड हमें देखने को मिलती है, और उसकी दो बच्चों पर और उसके एक एक्स हस्बैंड पर। अब जब वहाँ पर ये दराड़े पड़ना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी भैया आ जाता है। अब क्या होता है कि वो पूरा शहर ही भैया उस दराड़ों में तब्दील होने लग जाता है। अब ये जो भैया औरत हमें देखने को मिलती है अपनी फैमिली को कैसे बचाएगी और वहाँ के लोगों को कैसे बचाएगी, उसी चीज़ को जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। देखो बॉस, इस मूवी को देखकर एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। जब मैंने इस मूवी को स्टार्ट किया तो शुरू से एंड तक इस मूवी ने मेरे को इंगेज रखा। यानी कि मूवी में कुछ चीज़ें बहुत ही स्लो बुलेट होती हैं, यानी कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामे पर फोकस किया गया, रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया। ये जो हमें फैमिली देखने में मिलती है या उसका एक्स हस्बैंड और जो कि उसका बॉयफ्रेंड टाइप आ जाता है। अब जब ये डिज़ास्टर वाली चीज़ें होती है, जब ये भूकंप टाइप भैया आता है और शहर उन दराड़ों में तब्दील होने लग जाता है, तो उसके बाद जो कि इंटेंसिटी है कि भैया फैमिली बचनी चाहिए, वो तुम फील कर लेते हो और तुम्हें फिक्र होती है उस फैमिली की और वहाँ के लोगों की, और वहाँ पर कुछ मौतें भी होती हैं और उनके साथ तुम फील कर सकते हो। बाकी इस मूवी में वो ब्रूटैलिटी थोड़ी सी दिखाई गई है तुम्हें जब ये हादसे होते हैं भाई। ओवरऑल मूवी का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाकी इस मूवी में जो कि भैया टेक्निकल चीज़ें हैं, यानी कि जैसे कि डिज़ास्टर वाली मूवीज़ होती हैं, मूवी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो चीज़ें बनाई गई हैं भाई, सारा भूकंप वाली चीज़ें, क्योंकि इस मूवी का भैया सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। ऊपर से जो कि एक्टर ने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। एक थोड़ी सी शिकायत है, बाकी इस मूवी की जो कि एंडिंग है वो मेरे को बस ठीक ठाक लगी है। यानी कि इस मूवी की एंडिंग अगर और कमाल की हो जाती तो फिर तो इस मूवी को डिज़ास्टर वाली कमाल की मूवीज़ में मैं रखता। लेकिन एक अच्छी मूवी ज़रूर है, ग्रेट मूवी मैं नहीं बोलूँगा, एक अच्छी मूवी ये ज़रूर है। तो इस मूवी को ज़रूर देखना। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से तो 3 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते ही पर ख़त्म। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।